Assalamu alaikum dear students, hope you all will be fine by the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Welcome to JK Civil Services. Aaj hum English ka pehla video karne ja rahe hai. If we will talk about the JK SSRB, agar English ki baat karenge to ek bada margin rehta hai, ek bada portion rehta hai. To aaj hamara introductory video ho raha hai. To pehla concept jo hai, pehle concept ki agar hum baat karenge jo ki bahut hi zyada important hai, wo hai tenses. टेंसेज में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेके एसएसआरबी में, तो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ टेंस. अगर बेटा टेंस की बात करेंगे तो ये दो वर्ड्स का बना हुआ वर्ड है, एक है टी ई एन टेन और एक है सी. अगर हम टेन की बात करेंगे, टेन का मतलब है टाइम, टेन का मतलब है टाइम एंड सी का मतलब है सेंस. तो मिला के अगर हम बात करेंगे ये बन जाता है टाइम प्लस सेंस इज कॉल्ड टेंस. यानी कि अगर हम यहां पे कोई भी सेंटेंस लिखेंगे और उस सेंटेंस में इफ वी विल फाइंड टाइम विद सेंस, टाइम के साथ साथ अगर उस सेंटेंस में हमें सेंस दिख गया तो वो टेंस है. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल की बात करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा ही इज प्लेइंग. He is playing मैंने यहां पे लिखा. तो टाइम की अगर हम बात करेंगे इसमें टाइम भी है. ये सेंटेंस जो है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ये हमें कैसे पता चला, ये हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पता चला. तो यहां पे टाइम आया और सेंस भी आया. सेंस कैसे आया, सेंटेंस में हम कैसे सेंस को देख सकते हैं, तो उसके लिए दो चीजों का होना जरूरी है सेंटेंस में. एक को कहते हैं हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब है डूअर जो काम करता है, और एक है वर्ब. अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब आई, बस इतना याद आपको रखना है, अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब आई, सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब का आना जरूरी है, तब उसमें एक टाइम भी है, तब उसमें एक सेंस भी होता है, तो वही बन जाता है हमारा टेंस. तो क्या हमें याद रखना है, टेंस के लिए ये दो वर्ड्स का बना हुआ वर्ड है, टेन मीन्स टाइम एंड सी इट मीन्स सेंस. टाइम एंड सेंस मेक्स टेंस. ये टाइम और सेंस हम एक सेंटेंस में कैसे देख सकते हैं, तो यहां पर मैंने एग्जाम्पल से इसको सॉल्व किया. तो इसके लिए दो चीजों का होना जरूरी है सेंटेंस में. पहला चीज सब्जेक्ट का होना जरूरी है और दूसरा चीज वर्ब का होना जरूरी है. इफ देयर इज नो वर्ब, अगर एक सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा टाइम है. इसका मतलब यह है कि हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा टेंस है. चले आगे चलते हैं. टेंस की अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करेंगे, दूसरी डेफिनेशन क्या है, ये टेंस जो है ये एक वर्ड लैटिन वर्ड से निकला है टेम्पस से, जिसका मतलब है टाइम. यानी कि टेंस वो चीज है जो हमें टाइम दिखाता है, टाइम के बारे में बोलता है. टेंस के तीन टाइप्स हैं. अगर टाइप्स की बात करेंगे, पहला वाला टाइप जो है वो है प्रेजेंट, सेकंड दैट्स पास्ट एंड थर्ड दैट्स फ्यूचर. दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर. अब हमें ये टॉपिक जो है ये हमें एग्जाम में कैसे मदद देगा, हम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. चले यहां पे अगर मैं प्रेजेंट की बात करूंगा तो प्रेजेंट के अपने चार टाइप्स हैं, प्रेजेंट के अपने चार टाइप्स हैं. और पहला वाला टाइप जो है इसको कहते हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल. पास्ट के भी चार टाइप्स है और फ्यूचर के भी चार टाइप्स है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. प्रेजेंट सिंपल इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट, या इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इनडिफिनिट. पहला चीज है इसको इनडिफिनिट क्यों कहते हैं. इनडिफिनिट से इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो टाइम होता है वो अप्रोप्रिएट नहीं होता है, यानी कि फिक्स टाइम नहीं होता है. इसमें हम जो भी सेंटेंस लिखते हैं वो हैबिचुअल एक्शन होती है, यानी कि वो हम रोज रोज करते हैं. एग्जाम में हमें कैसे यह मदद देगा, उसके लिए हमें फार्मूले चाहिए. और फार्मूले क्या है, पहला चीज इसमें होना चाहिए सब्जेक्ट. ये मैं समझाऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है. प्लस इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस होना चाहिए ऑब्जेक्ट. यानी कि जब हमें एग्जाम में सवाल पूछा जाता है जेके एसएसआरबी में, तो वहां पर होता है ऐसे क्वेश्चन, He writes a book. He writes a book.
आई राइट्स ए बुक। आप प्रीवियस पेपर चेक करिए तो ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे। इसमें से करेक्ट कौन है? टेक ऑन द करेक्ट वन। यहां पे अगर हम बात करेंगे ही राइट ए बुक, ही राइट्स ए बुक, आई राइट्स ए बुक, इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है वो आपको यहां ये डिस्कस करने के बाद आपको पता चलेगा। तो प्रेजेंट सिंपल की अगर हम बात करेंगे तो पहला आना चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है डूअर, डूअर का मतलब है काम करने वाला। अगर जनरली बात करेंगे तो सब्जेक्ट का काम ही करता है, यानी कि जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इनको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन्स। प्रोनाउन्स नहीं कहेंगे बल्कि पर्सनल प्रोनाउन्स कहेंगे, क्योंकि ये ऐसे प्रोनाउन्स है जिनको हम किसी पर्सन के बदले इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं मुकीत सर, मैं अपने बदले आई इस्तेमाल करता हूं, वो है आकिब, उसके बदले ही मैं इस्तेमाल करता हूं, वो है रुबी, उसके बदले में शी इस्तेमाल करता हूं, या अगर उनकी बात करेंगे, एक टीम की बात करेंगे तो दे को इस्तेमाल करेंगे, और बेबी के लिए हम इट को इस्तेमाल करते हैं। इट एक ऐसा प्रोनाउन है जिसको हम नॉन लिविंग के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कभी कभी ये बेबी चाइल्ड के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये पर्सनल प्रोनाउन्स में आता है। तो पर्सनल प्रोनाउन्स काम करते हैं सब्जेक्ट का। अगर ये प्रोनाउन्स नहीं तो नाउन होता है, यानी कि सब्जेक्ट का काम करता है यह प्रोनाउन या काम करता है नाउन। चले जी, प्रेजेंट सिंपल को सॉल्व करेंगे। चले जी, हम प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे, यानी कि इसको डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। वन टाइम ऑफर है, एक बार पढ़ो बस, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहां पे फोकस करो, प्रेजेंट सिंपल जो है तो इसकी फॉर्मूला जो है वो है सब्जेक्ट। तो मैंने बोला आपको कि सब्जेक्ट का काम या प्रोनाउन करेगा या नाउन करेगा, चाहे वो पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्स प्रोनाउन है, जो भी प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, बट प्रोनाउन है। प्रोनाउन काम करेगा किसका? सब्जेक्ट का। यहां करेगा नाउन, नाउन का मतलब है नाम, किसी इंसान का नाम या किसी चीज का नाम। इसके साथ साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जब हम छोटे क्लासेस में थे तो हम पढ़ते थे वर्ब के तीन फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, फिर हम याद करते थे, मेमोराइज करते थे। बट अब याद करने की जरूरत नहीं, मैं एक यहां पे एक ट्रिक दूंगा। ट्रिक क्या है? फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है? एक ऐसी वर्ब जहां पे हम एस को लगा सकते हैं या आईएनजी को लगा सकते हैं। अगर हमने किसी भी वर्ब के साथ एस को जोड़ दिया या आईएनजी को जोड़ दिया तो उसके बाद ये जो वर्ब है ये फिर से वर्ड बना, मीनिंगफुल वर्ड बना, तब तो वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। बेटा अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करेंगे, उसके साथ कभी आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या थर्ड फॉर्म के साथ कभी आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। मैं यहां पर लिखूंगा पी एल ए वाई, ये हो गया प्ले। इसके बाद लिखूंगा मैं पी एल ए वाई डी, ये हो गया प्लेड, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है। और अगर मैं थर्ड फॉर्म लिखूं तो वो भी है प्लेड। यहां पे अभी एक कंफ्यूजन है बच्चा, ये है प्ले, ये है प्लेड, ये है प्लेड। इस प्ले और इस प्लेड में फर्क है, क्योंकि मैंने ईडी को प्लस किया, मगर यहां पे कोई फर्क नहीं है। ये डी है, ये डी है, ये ई है, ये ई है, ये है पी एल ए वाई, यहां पर भी पी एल ए वाई। तो कैसे हम कह सकते हैं ये सेकंड और थर्ड है? ऐसा कहना इट्स अ स्टूपिड मिस्टेक। चलिए कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। ये प्ले जो है बेटा, ये कौन सी फॉर्म है? ये फर्स्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि मैं इसके साथ आईएनजी को भी इस्तेमाल कर सकता हूं, तो बन गया प्लेइंग। अगर आईएनजी को नहीं तो तब एस भी यहां पे मैं लगा सकता हूं, ये हो गया पी एल ए वाई एस, प्लेज। यानी कि एस और आईएनजी जहां पर लगा सकते हैं, दैट्स अ फर्स्ट फॉर्म। ओके, सेकंड पे आते हैं, ये हो गया पी एल ए वाई डी आईएनजी, प्लेइंग। नहीं, किसी डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं है। यहां पर अगर मैं इस ing को यहां पे इरेज करूं तो मैं यहां पे लिखूंगा s, players, कोई वर्ड नहीं है। इसका मतलब ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि ing और s के साथ हम फर्स्ट फॉर्म को बना सकते हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड द फर्स्ट फॉर्म बाय यूजिंग ing एंड s एट द एंड ऑफ द वर्ब। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड एंड द थर्ड फॉर्म। हियर इज अ मिसकंसेप्शन, यहां पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम, कि हम बोल रहे हैं played प्लेयर जो है, प्लेयर है सेकंड फॉर्म और प्लेड ही थर्ड फॉर्म है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कहना ठीक है, क्योंकि अगर हम प्लेड की बात करेंगे, ये सेकंड है या थर्ड है, दोनों में से एक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ब्लू एंड दिस इज ब्लू, वी कांट से दिस इज ब्लू एंड दिस वन इज रेड, नॉट एट ऑल। देन व्हाट? चले जी, यहां पे समझाता हूं। अगर मैंने इस प्लेड से पहले हैड को इस्तेमाल किया या हैव को इस्तेमाल किया या हैज को इस्तेमाल किया,
इनको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, बाद में इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हैड है और हैज फिलहाल याद रखिए, क्योंकि मैं अभी वर्ब समझा रहा हूं। सब्जेक्ट मैंने समझाया, सब्जेक्ट का आना जरूरी है एक सेंटेंस में, तब तक उसमें कोई टाइम नहीं दिखेगा, कोई माने नहीं होगा। ये सब्जेक्ट का आना, नाउन या प्रोनाउन का आना जरूरी है। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को पहचानने के लिए मैंने दो चीजें बताई, एक आईएनजी एक एस। फिर यहां पे था प्लेड, प्लेड तो हम किताबों में ग्रामर में पढ़ रहे हैं कि दिस इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड, नो इट्स टोटली रॉन्ग। फिर क्या है, हैड है और हैज, जब तक आगे नहीं लिखेंगे प्लेड से आगे तब तक ये कोई थर्ड फॉर्म नहीं है। हैज को लगा दिया, ये बन गया हैज प्लेड। नाउ इट्स करेक्ट टू से दैट इट्स अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ वी विल राइट हियर ओनली प्लेड, अगर हम यहां पे सिर्फ प्लेड कहेंगे, प्लेड क्या है, इट्स ओनली द सेकंड फॉर्म, इट्स नॉट द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एट ऑल। नो, डोंट डू दिस मिस्टेक, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। प्लेड इज नॉट थर्ड, प्लेड इज ओनली सेकंड, अनलेस एंड अंटिल वी कांट ऐड हैड, हैव एंड हैज बिफोर द प्लेड, वी कांट से दैट इज द थर्ड फॉर्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सब्जेक्ट। चलिए मैं यहां पे लिखूंगा एक सब्जेक्ट, ये हो गया ही, ये हो गया शी, ये हो गया आकिफ। नाउन या प्रोनाउन को लिखना है, ये हो गया आई, बच्चा याद रखना। अब मैं लिखूंगा यहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने बोला फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वो वर्ब है जहां पे एस और आईएनजी को लगा सकते हैं। चलिए मैं यहां पे लिखूंगा बेटा राइटस, यहां पे भी लिखूंगा राइटस, यहां पे भी लिखूंगा राइटस, यहां पे लिखूंगा राइट। जेके एसएसआरबी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बी क्लियर अबाउट इट। या अगर मैं यहां पे शी को इरेज करूं तो मैं यहां पे लिखूंगा वी, यहां पे लिखूंगा ही राइटस, यहां पे लिखूंगा वी, ये एस को मैं यहां पे काट कर लूंगा वी राइट। यहां पे कंसेप्ट आया बेटा, यहां पे मैंने लिखा आकिफ, आकिफ राइटस ए बुक, यहां पे लिखा आई राइट ए बुक। इसमें से करेक्ट कौन है, इनकोरेक्ट कौन सा सेंटेंस है? ही राइटस ए बुक करेक्ट है बेटा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। मैंने पहले बोला जहां पे एस आएगा वहां पे फर्स्ट फॉर्म, जहां पे आईएनजी आएगा वो भी फर्स्ट फॉर्म। ये ही राइटस करेक्ट है, वी राइटस रॉन्ग सेंटेंस है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इंग्लिश में आपको एक रूल याद रखना है, एस जो है एस याद रखिए, एस हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं, पास्ट सिंपल में नहीं, किसी भी और टेंस में नहीं हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनली वी कैन यूज इट इन प्रेजेंट सिंपल, वो भी हम किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, बस ये है तुम्हारा कंसेप्ट, ये है तुम्हारा पॉइंट, दिस इज अ पिन पॉइंट इन द होल लेक्चर। यहां पे अगर बात करेंगे एस जो है, एस हम इस्तेमाल कर सकते हैं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या नेम के साथ, यानी कि किसी इंसान के नाम के साथ। इनको इंग्लिश में कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर्स, ये थर्ड पर्सन है, आई पहला पर्सन में, यहां पे यू आप सेकंड पर्सन हो, ही वो शी वो इट ये, मैं पहला वो दूसरा ये तीसरा, नेम फॉर एग्जाम्पल आकिब जो यहां पे मौजूद नहीं है, ये हो गए थर्ड पर्सन सिंगुलर्स। इनके साथ हम एस का इस्तेमाल करते हैं, बाकी किसी के साथ एस नहीं। अगर मैं यहां पे लिखूंगा आई राइटस ए बुक, सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि आई के साथ कोई एस का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि एस की हिस्ट्री जो है इंग्लिश में रूल है प्रेजेंट सिंपल के बगैर एस कहीं पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओनली वी कैन यूज इट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो भी ही शी इट और नेम के साथ, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ। तो ये सवाल मैंने आपको बोला था कि एसएसआरबी के एग्जाम में आया था, ही राइट ए बुक, यहां पे मैं लिखूंगा ही राइट ए बुक, यहां पे लिखूंगा वी राइट से बुक, आकिफ राइट से बुक, आई राइट से बुक,
यानी कि टिक ऑन द करेक्ट वन, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये हो गया ही राइट ए बुक, ही के साथ एस का आना जरूरी है, शी के साथ एस का आना जरूरी है, इट के साथ भी एस, नेम के साथ भी एस। चलिए देख लेते हैं, इसको चेक करते हैं। ये हो गया ही, ये राइट है, यहां पे राइट होना चाहिए, रॉन्ग है। आगे चलेंगे, ये हो गया वी राइट्स, इसमें वी है, ही के साथ एस, शी, इट, नेम, वी के साथ कोई एस नहीं, मगर मैंने वी के साथ यहां पे एस लिखा है, ये रॉन्ग है। आगे चलेंगे, ऑक्यूप राइट्स, यानी कि ऑक्यूप नाम है किसी इंसान का, ही, शी, इट, नेम, यस, हियर इज अ पॉइंट, यहां पे नेम है, यहां पे ऑक्यूप है, मैंने इसके साथ राइट्स लगा दिया, ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे चलेंगे, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आना चाहिए ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब है जिस पर काम किया जाए। सब्जेक्ट का मतलब है काम करने वाला, काम करने वाला किस पे काम करता है वो बन जाता है उसका ऑब्जेक्ट। और बीच में आती है क्या? बीच में आती है बच्चा वर्ब, बीच में आती है वर्ब, याद रखें, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है डूअर, काम करने वाला, कौन करेगा? मैं करूंगा, आप करोगे, वो करेगा, ये करेगा, हम करेंगे, वो करेंगे काम। इतने प्रोनाउन्स है या नाउन्स है, यही काम कर सकते हैं, बाकी कोई काम नहीं कर सकता है। तो यहां पे सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। याद रखिए, एक बड़ा कंसेप्ट दूंगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, याद रखिए, मैंने यहां पर लिखा ही राइट्स ए बुक, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? चलिए, सब्जेक्ट है ही, क्योंकि हमने डिस्कस किया सब्जेक्ट का मतलब है नाउन प्रोनाउन, यही तो काम करती है सब्जेक्ट का। फिर क्या है? ए बुक, ये है ऑब्जेक्ट, यानी कि ही राइट्स ए बुक, वो एक किताब लिखता है, वो एक किताब लिखता है, यानी कि वो किताब पे काम करता है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और बीच में क्या है? वो, यहां पर कंसेप्ट क्या है सर? कंसेप्ट है ये वर्ब जो है, ये इस ही और इस ऑब्जेक्ट में एक ब्रिज है, एक लिंक है। इस वाले वर्ब को क्या कहते हैं? इस वाले वर्ब को, यानी कि जो सब्जेक्ट की एक्शन क्या करती है? ट्रांसफर करती है ऑब्जेक्ट पे, यानी कि वो वर्ब जो सब्जेक्ट की एक्शन को ट्रांसफर करती है किस पे? ऑब्जेक्ट पे। इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है? ए वर्ब दैट ट्रांसफर्स द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट की एक्शन को ट्रांसफर करती है किस पे? ऑब्जेक्ट पे। अगर राइट्स की बात करेंगे, इसने ही की एक्शन को ट्रांसफर कर दिया किस पे? ए बुक पे। दिस इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। चले, यहां पे मैं इरेज कर लेता हूं। तो ट्रांजिटिव वर्ब का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। चले, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट सिंपल। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। ये कंसेप्ट है यहां पे। इसका दूसरा नाम प्रेजेंट इंडिफिनिट क्यों है? इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सेंटेंस में हमें एक फिक्स्ड टाइम, एक एक्यूरेट टाइम नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल, यहां पे मैंने लिखा, एक एग्जांपल मैंने लिखी थी, ही राइट्स ए बुक, वो एक किताब लिखता है। कब लिखता है? रोज रोज लिखता है, यानी कि अप्रोप्रिएट टाइम, एक एक्यूरेट टाइम यहां पे नहीं है, इसीलिए इसको इंडिफिनिट कहते हैं, क्योंकि इसमें एक एक्यूरेट, एक फिक्स टाइम का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो क्या है, अगर अब इसको हम कंक्लूड करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल, होली एंड सोली हमने क्या पढ़ा इस लेक्चर में? होली एंड सोली हमने पढ़ा कि पहले प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट का आना जरूरी है, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मगर कभी कभी हम एस का भी इसी
टेंस में इस्तेमाल करते हैं। एस किसके साथ इस्तेमाल होता है? एस इस्तेमाल होता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ। फिर मैंने आपको क्या बोला था? फिर हमने पढ़ा था ही राइट्स ए बुक। इस सब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो ये वर्ब है इसको इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इट्स ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि ए वर्ब दैट ट्रांसफर्स एक्शन ऑफ सब्जेक्ट ओवर द ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के एक्शन को कहां पे ट्रांसफर करती है? ऑब्जेक्ट पे। इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगर अब हम यहां पे लिखेंगे ही राइट्स, वो लिखता है, वो ही राइट्स यानी कि वो लिखता है, इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, सेंटेंस मुकम्मल है, सेंटेंस कंप्लीट है, और ये राइट्स जो वर्ब है इसने सब्जेक्ट के एक्शन को ट्रांसफर यहां पे नहीं किया, क्योंकि यहां पे क्या नहीं है, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है एक वर्ब जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में होगी, और इनट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब है दैट्स नॉट एबल, दैट्स नॉट केपेबल, यानी कि जिसमें एक ऑब्जेक्ट नहीं होता है और जो सब्जेक्ट की एक्शन को ट्रांसफर नहीं करती है ऑब्जेक्ट पे। तो क्या सब्जेक्ट, उसके साथ शाबाश फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चले यहां पे एस भी है, एस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एस इज यूज्ड विद ही, शी, इट एंड नेम ऑफ ए पर्सन। बस लास्ट वाला पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा। इसमें हम कभी कभी डू और डज का भी इस्तेमाल करते हैं। यह है बहुत ही बड़ा कंसेप्ट। इसमें हम डू और डज का भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें डू कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं और डज कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डू और डज से समझ लेना बेटा, जब मैं ऐसे सेंटेंस लिखूंगा ही राइट्स ए बुक, ये है प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि अब मुझे पता है सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और एस जो है ये ही, शी, इट और नेम के साथ इस्तेमाल होता है। इसको कहते हैं इंग्लिश में एफर्मेटिव सेंटेंस। याद रखिए, जब पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर आएगा क्या, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। इसको कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद और एक सेंटेंस की हम जिक्र करेंगे यहां पे, जिसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और एक सेंटेंस की बात करेंगे जिसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। याद रखिए, ये डू और डज का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं? अगर हमें प्रेजेंट सिंपल को या प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को बनाना होगा इंटरोगेटिव या नेगेटिव, तब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, तब हमारे पास ये दो वर्ब्स जरूरी है, इनको इस्तेमाल करना जरूरी है सेंटेंस में, तभी तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में। चले एग्जाम्पल से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। इस पे भी अक्सर जेके एसएसआरबी में सवाल पूछे जाते हैं, इस डू और डज पे। चले यहां पे अगर मैं डू की बच्चा बात करूं, डू कहां पे इस्तेमाल होता है? ये होता है इस्तेमाल आई के साथ। याद रखिए, आई के साथ, वी के साथ, आई डू नॉट, वी डू नॉट। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी गलती कर बैठते हैं कि वो लिखते हैं आई डज नॉट, वी डज नॉट। नहीं, आज कंसेप्ट को क्लियर कर लो। आई के साथ डू, मैं यहां पे लिखूंगा, एक सेकंड, मैं यहां पे लिखूंगा ये डू और डज कहां पे इस्तेमाल करते हैं हम, और आज एक बार पढ़ेंगे फिर बार बार नहीं पढ़ेंगे। सामने नोटबुक और पेन रखे एंड जॉट डाउन दीज पॉइंट्स। चले यहां पे बात करेंगे
डू की। डू पहला चीज, इस डू के साथ हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि अगर डू का इस्तेमाल नहीं करेंगे प्रेजेंट सिंपल को हम नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरा चीज, इससे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं, यानी कि ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन, एक सेंटेंस जो क्वेश्चन सवाल करता है। तो इस डू और डज के साथ हम प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में। आप चेक करिए, ऐसे सवाल अक्सर आते हैं एग्जाम में। अगर यहां पे मैं लिखूंगा डू, डू हम इस्तेमाल करते हैं आई वी यू के साथ और दे के साथ। दे डू नॉट, यू डू नॉट, वी डू नॉट, आई डू नॉट। अब ये डज है। एस यहां पे एक बार फिर से, डू की एस फॉर्म है डज। डू इज द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है जिसको लैक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, ये मेन वर्ब है। और अगर यहां पे एस है, एस की हिस्ट्री तो हमने पढ़ ली, ये एस फिर कहां पे इस्तेमाल होता है बताइए। आपको 10 सेकंड्स देता हूं। ये डज जो है यहां पे एस फॉर्म है, तो कौन कौन सा प्रोनाउन इसके साथ इस्तेमाल होगा एक बार फिर से याद करिए। ही के साथ एस, शी के साथ एस, इट के साथ एस और नेम के साथ एस। याद रखें इन पॉइंट्स को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। ही डज नॉट, करेक्ट, शी डज नॉट, इट डजंट मैटर हम कभी कभी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीता डज नॉट, आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट। एक क्वेश्चन यहां पे मैं लिखूंगा जो आया था एग्जाम में, फिर से वही है। करेक्ट पे टिक करिए, करेक्ट सेंटेंस पे टिक करिए। मैं लिखूंगा यहां पे, आई डज नॉट, सॉरी सॉरी आई स्टैम्बल्ड हियर, आई डज नॉट, आई डज नॉट, मैंने यहां पे लिखा आई डज नॉट गो टू स्कूल। ये एक सेंटेंस है। फिर आप चेक करना फॉर्मूले से, फिर मैं यहां पे लिखू, ये पहला ऑप्शन था इसमें। दूसरा, ही डू नॉट गो टू स्कूल, ये है दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, ये नॉट नॉट जो है ना बेटा, याद रखिए, ये नॉट नॉट बनाता इसको नेगेटिव सेंटेंस। अभी तक हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते थे जिसमें पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। यहां पे पहले सब्जेक्ट फिर डू या डज, इसके साथ क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। और जहां जहां पे नॉट आएगा वहां वहां पे नेगेटिव सेंटेंस होता है। यहां पे मैंने लिखा आई डज नॉट, ही डू नॉट, थर्ड वन शी डज नॉट गो टू स्कूल, और फोर्थ ऑप्शन देंगे नन। आपके हिसाब से इसमें से करेक्ट कौन है? अगर मुझे ये क्वेश्चन करना होगा तो मैं पहले इस वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, आई डज। यहां पे फॉर्मूला आई डू गलत है, आई के साथ डू डज नहीं, ही डू, ही के साथ डज, थर्ड पर्सन सिंगुलर एक बार फिर से कंसेप्ट, ये भी इनकोरेक्ट। चलिए, शी डज नॉट, ही शी इट के साथ यस, यस दिस वन इज करेक्ट एंड दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो ये डू और डज नॉट की हिस्ट्री यहां पे है। अब अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करेंगे वो है इंटरोगेटिव कैसे बना देंगे इसको, यानी कि इस वाले सेंटेंस को हम क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहां पे मैं लिखूंगा आपके लिए एक फॉर्मूला, चलिए यहां पे है प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव फॉर्मूला,
यानी कि नेगेटिव सेंटेंस ये आपको लिखना है। बेटा आपके लिए एक सजेशन है, जो भी पढ़ोगे डिटेल के साथ पढ़ो, एक बार पढ़ो, बार बार नहीं। ये नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट का आना जरूरी है, फिर डू और डज, इनके साथ लगा देंगे नॉट को, सब्जेक्ट डू नॉट और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज नॉट को ऐड करना है, मगर आपको याद रखना है डू और डज किसके साथ इस्तेमाल होता है। डू आई वी यू दे, डज ही शी इट एंड नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ। लास्ट पॉइंट है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बना देंगे, यानी कि इसको हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कैसे कर लेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है। पहले यहां पे मैं लिखूंगा डू और डज, पहले डू लिखना है या डज लिखना है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला तो वही है ना, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऊपर प्लस ऑब्जेक्ट, पहले डू या डज को लाना है बस। यहां पे एग्जाम्पल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल, पहले मैं डू लूंगा बाद में डज लूंगा। डू आई गो टू स्कूल, ये हो गया आपका सवाल। यहां पे डज शी ईट फूड, ये हो गया आपका सवाल। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये बच्चा ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल ही है, मगर पहले डू और डज है। और याद रखिए ये डू और डज जो है ये कभी कभी हेल्पिंग वर्ब का काम भी करते हैं, क्योंकि ये कभी कभी एक सेंटेंस को क्या बना देते हैं, इंटरोगेटिव बना देते हैं। और लास्ट में अगर आपको इंग्लिश सीखना है, ट्रांसलेट कैसे करते हैं, हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, उसके लिए मेरे पास एक मैजिक है। मैजिक क्या है इस वाले सेंटेंस के लिए, ता को याद रखिए, ता को, ता यानी कि अगर मेल होगा ता, अगर फीमेल होगी तो ती, और अगर बहुत सारे होंगे यानी क्या प्लूरल होगा दे जैसा वी जैसा, तो उसके साथ ते, मगर ता के साथ आएगा है, ती के साथ भी है, और ते के साथ आएगा है, और ता के साथ कभी आएगा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा था शी राइट्स ए बुक, चले यहां पे शी राइट्स ए बुक, ट्रांसलेट करो बच्चा, ट्रांसलेट करो, कैसे करते हैं अभी पता नहीं ना, अब पता चलेगा। पहले इसका मतलब, उसके बाद इसका मतलब, उसके बाद इसका मतलब, और उसके बाद मेरी फॉर्मूला। पहले शी है, शी का मतलब है वो, ए बुक ए या द जहां भी आएगा तो माने निकलता है एक, वो एक किताब, वो एक किताब। राइट का मतलब है लिखना, हम लिखेंगे लिख, वो एक किताब, लिखती है, लड़की है, मैंने पहले ही बोला फीमेल के साथ ती, मेल के साथ ता, ता है, ती है, ते है, तो कभी कभी आएगा ता हूं, कैसे, फॉर एग्जाम्पल आई ईट फूड, हा आई ईट फूड, पहले इसका मतलब, उसके बाद इसका मतलब, और उसके बाद ईट का मतलब। याद रखे बेटा, हर वर्ब के पीछे ना आता है, इतना बड़ा पॉइंट दे रहा हूं ना जिसका कोई कीमत नहीं है। वर्ब जो है ना, वर्ब, वर्ब का मतलब क्या है, ग्रामर में पढ़ा होगा बट आज कुछ नया सीख लोगे। ग्रामर में पढ़ा है आपने ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और शोज द स्टेट ऑफ बीइंग, बस यही पढ़ा होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है वहां पे। गूगल पे भी चेक करें इतना है, मेरे पास एक चीज है, बस वो चीज दूंगा
और दुनिया की कोई भी वर्ब होगी ना, एक मिनट क्या, 30 सेकंड क्या, 10 सेकंड क्या, 1 सेकंड में पहचान लोगे ये वर्ब है कि नहीं। जहां पे आएगा ना, ना, ना है वर्ब है, ना है वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल ईट, खाना, लास्ट में क्या आया, ना। राइट, लिखना। रीड, पढ़ना। प्ले, खेलना। गो, जाना। वॉक, चलना। सी, देखना। वॉच, देखना। रीड, पढ़ना, है कि नहीं। जहां पे ना ना, वहां पे वर्ब, जहां पे ना नहीं वहां पे वर्ब नहीं। चलिए ग्रामर को साइडलाइन कर लीजिए, यहां पे ये वाला कंसेप्ट पकड़ लो, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बस ये क्या था कंसेप्ट, ताती ते, ये है आई ईट फूड। तो क्या है, मैं खाना, यहां पे है ईट मीन्स खाना। और जब भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करोगे, तब इस ना को ना लाइए। नहीं नहीं नहीं, इट्स अ रूल इन इंग्लिश, ट्रांसलेशन का एक रूल है, वर्ब का ना कभी ना लाइए। ये है ना के बदले फिर सर क्या, मैंने तो यहां पे लिख के रखा है, मेरी फार्मूला को लाओ, बस बात खत्म। ये है आई, मैं, फूड, खाना, खाता, या फूड का मतलब है गजा भी हम कहते हैं, मैं गजा या खाना, खा, खा ता, ता हूं, मैं खाना खाता हूं, वो खाना खाती है, हम खाना खाते हैं। तो बात कर रहे थे हम ट्रांसलेशन की, ता, ता मेल के साथ, ती फीमेल के साथ, ते प्लूरल के साथ। चले यहां पे एक दो एग्जांपल्स और लूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आया आएगा, शाबाश बच्चा। यहां पे फोकस करिए, मैं लिखूंगा यहां पे, शाबाश, प्रेजेंट सिंपल की हम बात करते हैं, प्रेजेंट सिंपल की, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट याद करिए, सब्जेक्ट मेरे साथ याद करिए, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और कभी कभी एस का इस्तेमाल करते हैं किसके साथ, शाबाश एक बार फिर से याद करिए, मेमोराइज द लेक्चर, मेमोराइज द लेक्चर, शाबाश, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ। चले अगर मैं यहां पे लिखूंगा शी, यहां पे लिखूंगा ही सिंग्स ए सॉन्ग, यहां पे मैंने क्या लिखा, ही सिंग्स ए सॉन्ग, पहले सब्जेक्ट, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कौन सा है बच्चा, सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल, मतलब ट्रांसलेट करो इसे, ता ती ते को याद करिए, ही का मतलब है वो, ए सॉन्ग ए गाना, सिंग का मतलब है गाना, ना को काट करेंगे इसके बदले लाएंगे ता, वो एक गाना गाता है, बात खत्म, वो एक गाना गाता है। ऐसे ही शी, शी प्लेज, यहां पे मैं लिखूंगा शी प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट। अब अगर आपसे सवाल पूछूं, शी प्लेज आएगा या शी प्ले आएगा, चलो एक सेकंड में जवाब, शी प्लेज ही आएगा क्योंकि ही शी इट के साथ एस, ये शी प्लेज क्रिकेट। अब मैंने यहां पे एस सॉन्ग लिखा, यहां पे क्रिकेट लिखा, ए को यहां पे क्यों नहीं लिखा, बच्चा याद करिए ग्रामर में एक रूल है, रूल है ये ए और द, इनको कहते हैं आर्टिकल्स, ये हम इस्तेमाल करते हैं किसके साथ, काउंटेबल नाउन्स के साथ, जिनको हम गिन सकते हैं। शी प्लेज क्रिकेट, ए क्रिकेट गलत है, ए क्रिकेट गलत है, मैंने देखा है बहुत लड़के इस्तेमाल कर रहे हैं ए क्रिकेट, नहीं नहीं नहीं, यहां पे कोई आर्टिकल नहीं, जीरो आर्टिकल, एज पर द रूल ऑफ आर्टिकल जीरो आर्टिकल आएगा, ठीक है। शी प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट, प्ले का मतलब है खेलना, ना उड़ा दो ना, ता लाएंगे, नहीं ता नहीं, ती लाएंगे क्योंकि शी है, वो क्रिकेट खेलती है। थैंक्स, आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, शुक्रिया, मिलते हैं अगले लेक्चर में।